जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड जो राज्य है ये देवभूमि कहा जाता है, और यहाँ पे बहुत सारे विचित्र प्लेस हैं और बहुत सारी कहानियां उत्तराखंड के इतिहास से, उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे ही एक मैं आपके लिए आज एक वीडियो क्लिप लेके आया हूँ, बहुत पहले बनाया हुआ था, किसी कॉज के कारण मैं इसे डाल नहीं पाया था, लेकिन आज मैं डालूंगा इसे इस ब्लॉग में। सो गाइस, दिस इज आदि उपाध्याय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड यू आर वॉचिंग आदि ब्लॉग। पिछले साल जब बद्रीनाथ गया था तो मैं माणा गांव में, वहां से माणा गांव भी मैंने विजिट किया था, वो वाले मैं डाल दूंगा लिंक का, आप देख लेना नीचे। तो वहां पे व्यास गुफा और गणेश गुफा दो गुफा थी। तो वहां पे जहां पे मतलब जैसे हमारे वहां के लोगों ने बताया कि महाभारत की जो रचना थी जो यहां पर हुई थी, तो मैंने उधर ये वीडियो शूट किया था उधर पे माणा गांव में। तो क्या हुआ कि कुछ कॉज ऐसा था कि पंडित जी मान नहीं रहे थे मेरी बात। फिर लास्ट में मैं उनसे चाहता था कि आप सारे व्यूवर्स को, पंडित जी सभी को सामने बोले कैमरे के, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, बोला कि मतलब मैं कैमरे के सामने नहीं आऊंगा। लास्ट में हम लोग के बीच में मतलब थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हुआ कि मैं मोबाइल को या अपने कैमरे को दीवार की ओर कर दूं और पंडित जी पूरी स्टोरी सुनाएंगे। तो आपने सुनिए पूरी स्टोरी, इसके बाद मेरे को कमेंट में बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो दोस्तों, जो मैं आज अपना वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये मेरा 101वां वीडियो है। मैं अभी तक 100 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और आपका बहुत ज़्यादा प्यार मिला मुझे, और मेरे कुछ वीडियो ऐसे हैं जो 100 के पार चले गए हैं, और अभी तक मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर काउंट करीब 7200 के करीब है। तो आप लोग का प्यार ऐसे ही मिलते रहे, और जल्दी से जल्दी मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो 10,000 और उसका 25,000 हो, मैं आपसे यही आशा चाहता हूँ, और आपका ये प्यार हमेशा ऐसे ही मिलते रहे। चले देखते हैं अब जो मैंने अभी आया था आपको एक्सप्लेन किया था उसको यथार्थ। इंडियन विलेज सीमांत ग्राम माणा में आपका हार्दिक स्वागत है। जो रोड जा रही है वो जा रही है माणा पास को, शायद पहुंच चुके हैं द लास्ट इंडियन विलेज माणा। कुछ शॉप है यहाँ पे, बहुत सारे लोग की फोटो देखी है मैंने, जैसे हिंदुस्तान की अंतिम दुकान चाय की। जय घनियाल, स्वागतम, वेलकम इंडियन, लास्ट इंडियन विलेज माणा। भीमपुल इस साइड को जाना है, सरस्वती धाम भी साइड जाना है, केशव प्रयाग साइड जाना है, गणेश गुफा और व्यास गुफा इस साइड जाना है। पहले हम चलते हैं गणेश गुफा और व्यास गुफा। मैंने जो सुना है उसके हिसाब से महाभारत जो हमारे यहाँ महाग्रंथ है वो इस माणा गांव में लिखा गया है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, पुराण एवं महाभारत का लेखन स्थल श्री गणेश गुफा यहाँ पे। पहले हम जाएंगे गणेश गुफा। तन्मे मनो शिव लंपन मस्तु, यह है गणेश गुफा। फोटोग्राफी नॉट अलाउड इनसाइड मंदिर परिसर, छायाचित्रण मना है। अब हम पहुंच चुके हैं श्री वेद व्यास गुफा में, सत्य पर धीमे ही। चलिए देखते हैं इसके अंदर का, और अंदर का नहीं है भैया, गुफा का मना है। जूते उतार दीजिए। ज्ञान प्राप्त करते हैं पंडित जी से। व्यास गुफा के अंदर तो पंडित जी हमको बताएंगे इस गुफा के बारे में। तो वेद व्यास जी ने इसी पावन गुफा में बैठ करके हमारे जितने भी ग्रंथ, वेद, पुराण, शास्त्र हैं, सब की रचना यहीं पे की थी। लेकिन महाभारत लिखने के लिए गणेश जी की स्तुति इसलिए करनी पड़ी, द्वापर का अंतिम समय था और कलयुग आने वाला था। कलयुग को हो गए 5,121 साल और अभी बाकी हैं 4,32,000 साल। तो गणेश जी आए, गणेश जी ने शर्त रखी कि सुरते तत्प्राह विघ्नेशु यदि मे लेखनी क्षणम, लिखते नावतिष्ठे तो तदा श्याम लेख को अहम, कि लिखते वक्त मेरी लेखनी क्षण भर भी रुकनी नहीं चाहिए, वेद अभ्यास रुक गई तो आगे नहीं चलेगी। क्योंकि गणेश जी दोनों हाथों से लिखते थे। यहाँ से वेद अभ्यास जी महाभारत बोलते गए और गणेश गुफा में गणेश जी लिखते गए। महाभारत के बाद भी आत्मसंतुष्टि नहीं हुई, तब नारद मुनि का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा, जब तक तुम पीबत भागे बतम रह
रसमालयम, कि जब तक तुम भागवत रूपी रस का पान अपने भक्त जनों में नहीं बांटोगे तब तक तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो अंत में नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जय मुदी रहे। नर नारायण भगवान को प्रणाम किया, मां सरस्वती की वंदना की और इस माटी के ऊपर बैठ कर के 18वां पुराण श्रीमद भागवत महापुराण की रचना की। बोल श्रीमद भागवत महापुराण की जय। फर्स्ट नंबर पे विष्णु जी हैं, दूसरे वेद व्यास पुरानी मूर्ति बड़ी वाली नई मूर्ति, तीसरे नंबर पे सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र और लास्ट वल्लभाचार्य जी। सुखदेव जी ये 12 साल तक माँ के गर्भ में रहे, कहा जब तक मुझे श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे मैं जन्म नहीं लूंगा। तो कैसे हैं वो आनंद कंद वृंदावन बिहारी जो माँ के गर्भ में भी दर्शन दे देते। बोल माँ के बिहारी लाल की जय। वल्लभाचार्य लास्ट चौथे नंबर पे, ये छत्तीसगढ़ चंपारण से 500 वर्ष पहले 11 साल की अवस्था में यहाँ पे आए थे। 500 वर्ष पहले कोई साधन नहीं था आने जाने का, तो कैसे आए होंगे? कहाँ रह गया छत्तीसगढ़, कहाँ रह गया माणा, वो भी 11 साल की अवस्था में 11 नंबर वाली गाड़ी में बैठ करके। आज जब हर भक्त के पास अपना साधन है फिर भी जब भक्त गाड़ी छोड़ करके पैदल मार्गों पे चल रहे तो उनकी हालत कैसी हो रही उन्हीं को पता होगा। तो वल्लभाचार्य जी एक ही सूत्र को लेकर आए थे कि वेद व्यास जी का पुण्य धाम कहाँ पे होगा, जहाँ पे ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमी तटे सम्या प्रासदी प्रोक्त और शीणाम सत्रवर्धनम तस्मिन स्वाश्रम व्यासो बत्री संड मंडिते आसीन उपवृश्य पणिदद्ध मन स्वयं। जहाँ पे ज्ञान को देने वाली ब्रह्म मतलब ज्ञान, ज्ञान को देने वाली माँ सरस्वती हो आश्रम के पश्चिमी भाग में और बेर की झाड़ियां हो सम्यप्रास नामक क्षेत्र हो, सोच लीजिए वहीं पे वेद व्यास जी का पुण्य धाम होगा। तो बेर की झाड़ियां क्यों हुई? जहाँ पे सरस्वती और अलकनंदा नदी का संगम हो रहा, इस संगम को केशव प्रयाग कहते हैं। तो नारायण जी ने यहीं पे जाके तपस्या की और तपस्या करते करते बर्फ गिरने लगी तो शीर सागर में माँ लक्ष्मी ने देखा तो उनको बड़ा दुख महसूस हुआ। तो माँ लक्ष्मी ने कहा मैं इनकी अर्धांगनी, आधा कष्ट तो मुझे झेलना है। तो माँ लक्ष्मी ने कहा मैं अपनी पति की सेवा कैसे करूं? तो माँ लक्ष्मी ने वहीं पे जा करके एक विशाल बेरी का वृक्ष बन करके नारायण जी के ऊपर से छाया कर दी। जब कई वर्षों बाद नारायण जी का ध्यान टूटा, लक्ष्मी को सेवा में पाया, कहा देवी मुझसे ज्यादा कष्ट तो तुमने किया, ले आजा मुझसे आगे तुम्हारा नाम आए जैसे राधे श्याम सीताराम, इसी तरह लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो बेर को ही बद्री कहते। बोल बद्री नारायण भगवान की जय। तो जब वल्लभाचार्य जी इसी सूत्र को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आए और जब यहाँ पे आए साक्षात वेद व्यास जी के दर्शन हुए, क्योंकि अस्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा प्रसुरामश्च सप्ते तैत्र जीविनो, वेद व्यास आज भी अजरमर है। बोल वेद व्यास भगवान की जय। इस गुफा का बाहरी हिस्सा देखोगे तो अलग अलग पन्ने व्यास पोथी के समान नजर आते हैं। द्वापर में ये भोजपत्र था, कलयुग आते ही ये पत्थर बन गया। अगर आज भी भोजपत्र रहता तो भक्त कंधे में उठा करके चले जाते, मार्केट में बेच देते। तो बद्री विशाल के अंदर जो भगवान विष्णु जी की मूर्ति है, ये मूर्ति किसी कलाकार ने नहीं बनाई, ये स्वयं भू विष्णु है। जब द्वापर का अंतिम समय था, कलयुग आने वाला था, तो भगवान विष्णु शालिग्राम पत्थर की मूर्ति में विराजमान हो गए थे। कहा जो भक्त श्रद्धा भक्ति से मेरे इस विग्रह के दर्शन करेंगे उनको मेरे साक्षात दर्शनों का फल प्राप्त होगा। तो भागवत की बुक साक्षात कृष्ण स्वरूप होती, कलयुग आते ये भी पत्थर बन गया। बोल बद्री विशाल की जय। हरि ओम। आप लोगों की यात्रा मंगलमय हो, मनोकामना परिपूर्ण हो, इसी प्रकार की भक्ति बनी रहे और वेद व्यास जी बुलाए अनलिमिटेड था। सतयुग में केवल भगवान का नाम लेते ही भगवान दौड़े चले आते थे, त्रेता युग में केवल एक यज्ञ करने से भगवान की प्राप्ति होती थी, द्वापर युग में हजारों वर्ष घोर तपस्या करने पे भगवान दौड़े चले आते थे और कलोर भक्ति कीर्तिनाथ, कलयुग में जो भक्त श्रद्धा भक्ति से भजन कीर्तन करेंगे उन्हीं को भगवान की प्राप्ति होगी। बोल बद्री विशाल की जय। हरि ओम। तो कैसे लगी आपको ये छोटा सा क्लिप था जो मेरा करीब 6 मिनट का था, पंडित जी ने काफी अच्छे ढंग से इसमें वृतांत बनाया हुआ था। तो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में लिख के बताना। अगर अच्छा ज्यादा अच्छा लगा तो आप जरूर शेयर कर सकते हैं इसको अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ऐसी कहानियां सुनने के लिए काफी मिलती है। क्योंकि आप जानते हैं हम लोग को पंच प्रयाग के नाम पता है लेकिन हमारे पास 7 प्रयाग है पूरे उत्तराखंड में, 2 प्रयाग एक्स्ट्रा है, एक केशव प्रयाग है
जो है आपके माणा गांव में सरस्वती और अलकनंदा के संगम में, और एक है गणेश प्रयाग जो है भिलंगना और भागीरथी के संगम में आपके टिहरी में। तो मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग को पता नहीं है, तो वो हम लोग को इन वीडियो द्वारा मैं आपको बताता हूँ। तो मिलते हैं नए ब्लॉग के, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।